सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर अब 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। एसएससीडी की तरफ से एएसजी ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नहीं जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट में। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था।